हाँ जी, आज बाइक लेके मैं हॉस्पिटल जा रहा था और मैंने मतलब जो शहर में था मैं, तो वहाँ से मैं आ रहा हूँ अभी। तो हॉस्पिटल में मतलब घर के बगल में ही था, जिस फ्लैट पे मैंने स्टे लिया था उस बगल में ही था हॉस्पिटल। मैं जा रहा था, तब तक मैंने सोचा कि जब बगल में ही जाना है थोड़ी दूर, हेलमेट लगा के क्या जाऊँ, कैप लगा के चले जाता हूँ। मैं गया हूँ हॉस्पिटल में, जाके मैंने अपना चेकअप कराने के लिए मैं नंबर लगा के मैं वेट कर रहा था। स्लॉट फुल था हॉस्पिटल का सारा उस आज का अल्ट्रासाउंड कराने वाला, बट स्टिल मैंने जुगाड़ लगाया, फिर भी मेरे को स्लॉट मिल गया और मैं अल्ट्रासाउंड कराने के लिए वेट कर रहा था। तब तक मेरे को एक मैसेज आता है जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। उस मैसेज में मेरे बाइक का 1000 रुपये का चलान कटता है, और मुझे पता है वो किस चीज़ का चलान है, जस्ट बिकॉज कि मैं कैप लगा के गया हूँ, हेलमेट लगा के नहीं गया हूँ। मैं चुपके से पुलिस होने के बावजूद भी मैं स्टिल स्टाफ हूँ, पुलिस स्टाफ, स्टिल मेरा चलान कट गया जस्ट बिकॉज कि मैं घर के बगल में ही गया हूँ, मैंने हेलमेट नहीं लगाई थी। बगल में भी जाना है तो हेलमेट लगा के जाना है। हालांकि मैं ट्रैफिक सारे नियमों के पालन करता हूँ, ट्रैफिक सारे नियम मानता हूँ, बट आज मैंने जैसे ही हेलमेट निकाला वैसे ही मेरे को 1000 रुपये का फटका लग गया। तो आपसे यही निवेदन है कि आप लोग भी घर से बाहर निकलिए तो प्लीज़ हेलमेट डाल के निकला करिए। ये हमारी ही सेफ्टी के लिए कही जाती है सारी बातें, इससे हम ही लोग सुरक्षित रहेंगे, इसी से हम ही लोग सेफ रहेंगे। खैर, आज तो 1000 का कटा, इससे मुझे सीख मिल गई। आगे आप अपना भी चलान कटाने से बच सकते हैं, उसके लिए आप जितने भी ट्रैफिक नियम हैं उसको, सारे ट्रैफिक नियमों को फॉलो कीजिए। बस यही है, तो इतना ही था इन्फॉर्मेशन देना था बस इस व्लॉग में, इस वीडियो में, छोटी सी वीडियो में। तो वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप लाइक करके जा रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करके जा रहे हो, और कमेंट में बता देना कैसी लगी वीडियो। बाय, #पीस, आई नो यू लव मी, बाय बाय बाय। अभी मैं गाँव के सड़कों पर चल रहा हूँ, खैर आप लोग जाओ और मैं भी जा रहा हूँ अपने थाने पर। बाय।